हाय फ्रेंड्स मुझे समस्त स्वागत करुच्ची ओडिशा जब इन पर आशा करुच्ची समस्त बहुत बढ़िया थे समस्त निज निज प्रिपेरेशन को आगू बढ़े चलते आज हमें कंप्यूटर गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करवा जोटा कि आप रोचे ऑपरेटिंग सिस्टम रो एमएस विंडोज सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक बिकॉज एमएस विंडोज रो बहुत गुड क्वेश्चन आप एग्जाम उठे से यार डिटेल्स सबुतक थ्योरी जहाँ भी मो द्वारा पॉसिबल हो पार्टी मुझे सबुतक कंबाइन कर सबुतक स्लाइड को आपन देखिया बेन ट्राई करबे अंडरस्टैंड करिया बेन ट्राई करबे एमएस विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम अछि सेतरे कोन केमते घटे मु सब तक एस्पेक्ट को बुझिया बेन ट्राई करबे टारगेट चलछि आपन को ओटी प्रेस रो आरआई एआरआई अमिनो एसएफएस गेला एलआई फॉरेस्ट फॉरेस्ट कार्ड गेला ये आपन मन रखबे 11 नंबर क्लास होछि ऑलरेडी हमें 10टा क्लास सारि देछे जो माने कंप्यूटर देखिनांदि चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट चेक करि परबे मास्टर इन कंप्यूटर नॉलेज ता सहित इंग्लिश रो मोर 11टा क्लास सरिछि ताको भी देखि निजे भितरे आपन इंप्रूवमेंट आनिया बेन ट्राई करबे एतिके आपन को प्रॉमिस करि परबे जे एग्जाम पूर्व डेफिनेटली मु सब तक सिलेबस को सार देथिबे सेति बेन किछि व्यस्त होबे क्लास को हम स्टार्ट करबा ता पूर्व छोटा इन्फॉर्मेशन देबी जो माने मोर ओडर प्लेस रो ऑल इन वन प्रैक्टिस ग्रुप रो छन से माने के वीडियो को स्किप करके आगो जाई परबे जो माने को दरकार छि बस से माने सुनि परबे मन किबे ओडर प्लेस रो ऑल इन वन गोटे प्रैक्टिस ग्रुप अछि जोडी के अपन डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करबे बहुत बडे क्वेश्चंस अवेलेबल रहबो सेठी मन किबे कोनसी वीडियो क्लास न थाय सेठी बस अपन को प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस मिल जइबो डेली अपन इंग्लिश रो 40 क्वेश्चंस पाइ जइबे कंप्यूटर 40 क्वेश्चन हे गेला ओडिया 40 क्वेश्चन हे गेला जीके 40 क्वेश्चन हे गेला जनरल साइंस रो भी 40 क्वेश्चन ये आप 200 क्वेश्चन रो कंप्लीट आर एमसीक्यू पाइ जइबे सब तो क्वेश्चन आप क्विज फॉर्मेट रे कंडक्ट करा जइबो क्विज सला पर सब तो क्वेश्चन रो पीडीएफ भी अवेलेबल रहबो ता सहित मैथ रो गोटे एक्स्ट्रा पीडीएफ पाइ जइबे प्रैक्टिस करबे ये आप टॉपिक वाइज चलछि मिक्स एबे चलनी ता सहित आप को मिलिबो मन रखिबे आरआई एआरआई अमिनो एसएफएस एलआई फॉरेस्ट गार्ड पाई मन रखे 10टा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपन पाई जिबे एलआई फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड पाई ता सहित 15टा फुल लेंथ मॉक टेस्ट पाई जिबे आरआई एआरआई अमिनो एसएफएस पाई से ग्रुप रे सब तक जिंस अवेलेबल अछि ता सहित ए ग्रुप रे 4200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अछि जोटे के आपन देखि के निजो भीतर जानि परिबे जे क्वेश्चंस को लेवल लाछि ईच एंड एवरीथिंग आपन बुझी परिबे जोटे के इंग्लिश रो 1500 क्वेश्चंस अछि ओडिया रो 900 क्वेश्चंस अछि कंप्यूटर 1400 क्वेश्चन आ ट्रांसलेशन रो 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे पे सब तक क्वेश्चंस रिवीजन करे पे बहुत इंपोर्टेंट ता आपन निजे देखि परिबे ता सहित मन रखे ग्रुप रे जॉइन केमति करबे मन रखे ए ग्रुप चलो से पर्यटन जपर्त आरआई एआरआई अमिनो एसएफएस कि एलआई फॉरेस्ट 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 कार्ड होगा एग्जाम सरी से पर्यटन ग्रुप कंटिन्यूटी चलती है ओके ग्रुप में जॉइन केमती करेंगे जो मैंने नुआ स्टूडेंट अच्छे से 135 रुपीज रोक ये जो नंबर देखते ए नंबर कौन से पेमेंट गेटवे पे करके व्हाट्सएप कि टेलीग्राम में मतलब स्क्रीनशॉट देते हैं मुझ ग्रुप लिंक देला ग्रुप में जॉइन करेंगे जो मैंने ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी मोर कौन से बैच जॉइन करते हैं जमी पीओ होगा एस होगा सीजिल होगा ओडिशा पुलिस जूनियर ग्रेजुएशन कौन से ग्रुप जब आप जॉइन करते हैं 99 रुपीज रोक सेम प्रोसेस होती नंबर डायरेक्टली पे करके स्क्रीनशॉट दे देबे मु ग्रुप लिंक आपन अवेलेबल कला पर ग्रुप आपन जॉइन करके एक्सेस कर परबे मु ग्रुप लिंक देख ग्रुप देखे दोजी गोटे बेसिक आइडिया पाई जिबे देखरे एक ग्रुप के टेलीग्राम रे खोजिबे बिकॉज़ एटा प्राइवेट ग्रुप अछि आपन पेमेंट कला पर लिंक देला पर ही जॉइन कर परबे देखंतु ग्रुप रे जॉइन कला पर डेली आपन क्विज क्विज कंडक्ट करा छि क्विज को अटेंड करिवे क्विज सला पर सबत कर आपन क्वेश्चंस रो पीडीएफ मिले जे जहा जा मु क्विज कंडक्ट करै छै ता सहित नेक्स्ट डे रे कोन क्विज कंडक्ट करा जइबो तार बे डिटेल्स मेंशन थै ग्रुप रे जॉइन कला पर 6133 पिला ग्रुप रे ऑलरेडी अवेलेबल अछि ग्रुप रे जॉइन कला पर आपन क्लिक करबे ऊपर को ऊपर क्लिक करले 499 टा पीडीएफ अछि मॉक टेस्ट होगा प्रीवियस क्वेश्चन सब यही आप पीडीएफ फाइल सेक्शन में सबुतक अच्छी आप ईच एंड एवरी टॉपिक को भी एक्सेस करके आधे पारे बुझीगले समस्ते जहाँ जहाँ टॉपिक ये अच्छे सबुतक आधे अवेलेबल अच्छे आराम से एक्सेस करेंगे मन रखे आप पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन दरकार बट इट आस सर्च कर ने प्रीवियस ईयर आपन क्वेश्चन सॉर्ट करले आपन प्रीवियस ईयर चारटा को पीडीएफ पाइ जबे एक्सेस करि परबे कोनसे टॉपिक एमएस वर्ड रो दरकार कि एमएस धन एमएस वर्ड रो किछ बिलंग को क्वेश्चन प्रैक्टिस पाइ दरकार तो एमएस वर्ड आपन सॉर्ट कर देबे आपन सबुतक लिस्ट पाइ जबे एमएस वर्ड रो ऑलरेडी 6टा पीडीएफ दिछ माने 300 क्वेश्चन अवेलेबल अछि आराम से एक्सेस करि परबे ता सहित मन रखिबे ए ग्रुप रे जॉइन कला पर ए ग्रुप चालिबो डेली बेसिस रे क्विज चले को दिन कोन क्विज कंडक्ट करा जाय ये पूरा 100 डे रो ऑलरेडी मेंशन करा जाय एमते आ जे 100 डे चालिबो जे पंत एग्जाम सने चालिबो सब किछ ए तादर मेंशन अछि को दिन क्विज मिलिबो को दिन मॉक टेस्ट मिलिबो ईच एंड एवरी व्हाट्सएप रे मेसेज करके डेफिनेटली पचारि परबे एमती नै काहा को फोर्सफुल नै कि जबरदस्त नै निज इच्छा रे भाई जॉइन करबे प्रिपरेशन आपनकर सिलेक्शन भी आपनकर ओके किछ डाउट छले नंबर मते व्हाट्सएप रे पचारि परबे बहुत किछ हे हे बिजु हमें क्लास को स्टार्ट करबा फर्स्ट कथा ला एमएस विंडोज ओके एमएस विंडोज टा गोटे कोन समझ जान छन ये गोटे सर ऑपरेटिंग सिस्टम गोटे एमएस विंडोज लिनक्स यूनिक्स जेमती गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम छन छथि मैक रो भी निजरो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम थाय जेमती एप्पल रो थाय सेमती आपनकर एमएस विंडोज गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा कि बहुत ही पॉपुलर आ नॉर्मली सब कंप्यूटर रे यूज करा जाय बिकॉज आपन इजीली ताको एक्सेस करि परबे सेति पई एटा बहुत ही पॉपुलर जिंस पढिबा आपन एमएस विंडोज कोन ओके एमएस विंडोज इज आपन रहू छी अन ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कहा द्वारा आपन लॉन्च कराइथला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च कराइथला कोन कहले एमएस विंडोज टा कहा द्वारा लॉन्च कराइथला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
लॉन्च कराइथला इट इज टोटली ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपण को कहि परबे जी यू आपण आई कोन जो आपण रहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम रे पछरा जाय जे माइक्रोसॉफ्ट गोटे को टाइप रो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आखि बंद करि मार देबे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओके तापर लिखाई कौन देखो हम पढ़ी बुझे ट्राइ करवा इट अल्सो गिव ए प्लाटफर्म टू द आप्लिकेसन सफ्टवेयर टू रन इट सेल्फ मैंने आपन से जो विंडोज प्लाटफर्म आप्लिकेसन को रन करेंगे जो आप दरकार जो आप इनस्टल करार अच्छे आप्लिकेसन को आसेस करेंगे VLC होगा कि आपको मीडिया प्लेयर होगा कि किसी भी आज चलने चाहते आप आराम से आदि इनस्टल करके रन करेंगे गेम खेल आप आराम से करेंगे इट इज एनवायरमेंट यूजर्स कैन ओके इट इन दिस एनवायरमेंट यूजर कैन कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ आइकॉन्स तो डेफिनेट आप जो रोचे सब एडवांटेजेस कौन है मन रखिए MS विंडो आम केमी इंटराक्ट करवा गोटे गोटे कम्युनिकेशन केमी क्रिएट कर मन रखिए आइकन मध्यम आइकन मैंने आपको डिस्प्ले हो गए इमेज रोट फोल्डर टाइप रि छोटे गोटे इमेज टाइप र्लिक कलापर से जिस ओपन हुए नर्माली आइकन कहते हैं समस्त देखिए मुझे आगे भी देखी किसी क्यारेक्टरिस्टिक्स आप विंडोज रे मन रखा बहुत ही जरूरी जमीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सुपर इंपोर्टेंट क्यारेक्टरिस्टिक्स कहार आपर MS विंडो रमी आपको क्लिपबोर्ड जो आपको मेमोरी ये गोटे सर्ट टर्म गोटे मेमोरी पाई भाया काम करके क्लिपबोर्ड से कॉड कॉपी पेस्ट जहाँ भी आप करेंगे सीट जाए स्टोर हो जाए ये गोटे छोटिया जिनस मल्टीटास्किंग माने कौन आपन गोटे टाइम रे 2-3 अधिक कि जेते आपन चाहिबे सेते टास्क करि परबे अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर कैपेसिटी बुझि गेले ना तापर होची वेली ऑब्जेक्ट लिंकिंग आउ एम्बेडेड रहि तापर होची आउ गोटे सुपर इंपोर्टेंट एग्जाम रे आपन पचारे ओके WYSIWYG आर फुल फॉर्म बेले बेले आपन पचारे टिके मन रख दिथिबे व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एटा होची इंपोर्टेंट माने जहां आपन देखुचें से भले आपन स्क्रीन से डिस्प्ले कर देबो ओके जहां आपन चाहुचें व्हाट यू सी जहां देखुचें से भले आपन इनफॉरमेशन पाइबे कोन आपनको डेस्कटॉप रे पाइबे से कथा कहुची बस फुल फॉर्म टा टिके मन रखतिबे एग्जाम रे बेले बेले आसे तापर होची प्लग एंड प्ले सुपर इंपोर्टेंट प्लग एंड प्ले माने आपन जहां एंट्री करेंगे माने कंप्यूटर गोटे पेन ड्राइव लगेले सांगे सांगे आपनको इंटरफेस शो कर देबो तापर आपन तार पेन ड्राइव रे इमेज आनिबार अछि कि वीडियो देखियार अछि कि मूवी देखियार अछि गेम अपलोड करियार अछि जहां पे आपन प्लग एंड प्ले माध्यम रे करिबे ए सब आपन गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज रो फीचर्स सेमती यार अदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम रे भी ये सिमिलरिटी किसी फीचर्स था बट ये सब बहुत बढ़िया बिकज इतने GUI आप इंटरफेस आड ओके ये बुझीगली गोटे बेसिक आइडिया था नेक्स्ट आगे देखो जो GUI कहे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस केमी देखो आप विंडोज 8 देखते 9 देखते 10 एवं लाटेस्ट चलिए आप 11 देखते हैं जितने आप विंडोज को प्रिक करेंगे आप यह सब ग्राफिक्स गोटे गोटे आप देखा जाए आइकन देखा जाए ता सहित भी आपड़ एमती भी आप गोटे गोटे डिस्प्ले देखिपारे कैमेरा होगा आप गीत शुणापा कि माइक्रोसॉफ्ट ये सब आप गोटे गोटे छोटे छोटे आइकन भाया देखा जाए डिस्प्ले ही आपड़ा आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह जाए दिस इज द फास्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स ऑफ आप कौन विंडोज बाय व्हिच विंडोज बिकम सो फेमस विंडोज फेमस होता है ओके थ्रो दिस फीचर ए यूजर कैन कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ आइकन आपन केमिति कम्युनिकेट करेंगे आपको कैमेरा दरकार भाई कैमेरा आम ओपन करवा के आपर कैमेरा गोटे आइकन देखे क्लिक कले ओपन करेंगे ना आपको दरकार बर्तमान कौन दरकार धन्य गूगल क्रोम दरकार सरी आप क्रोम को ओपन कराया कि मोर्जिला फायरफॉक्स ओपन कराया कि ओपेरा मेन्यू ओपन कराया तार आइकनटा शो कले तो आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ना बुझीपारे मुझे कहूँ तो से सब आप डिस्प्ले देखुपर आपटा गोटे कौन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओके द ग्राफिक्स रिप्रेजेंट एनी प्रोग्राम और फाइल इज कॉल्ड आइकन ये जो ग्राफिक्स गुड़ाक जो रिप्रेजेंट कर जो सब आम कौन कह आइकन कह बुझीगले समस्ते आइकन होची सुपर इंपोर्टेंट जिनस जहाँ को आम क्लिक करके आम जापर जो जिन आइकन टाइम ये अच्छे आपको क्लिक करके आम ओपन करके आक्सेस कर सब तो गोटे गोटे आप देखते गोटे गोटे आइकन भाया ये आपको काम कर बुझीगले समस्ते नर्माली आप ओल्ड मडेल जो आप कंप्यूटर थी आप देखते सब तो गोटे गोटे आइकन आपठ शो भी करो बुझीगले गोटे बेसिक आइडिया था नेक्स्ट आप क्लिपबोर्ड मुझे अलरेडी कही क्लिपबोर्ड गोटे कौन छोटिया मेमोरी भाया काम करें सी कौन करें आप जहाँ भी आप कॉपी रिकॉर्ड करेंगे तो सही किसी टाइम बाय ये आपको स्टोर होती आम नहीं आक्सेस कर देखते सी कहे क्लिपबोर्ड इज ए मेमोरी गोटे टाइप्स ऑफ मेमोरी ओके हुए डाटा इज स्टोर आफ्टर यूजिंग कट और कॉपी आपन जब कट कि कॉपी कर दूसरी माने सांगे सांगे से क्लिपबोर्ड जाए डाटा स्टोर हो कौन कहे क्लिपबोर्ड जाए डाटा स्टोर हो दिस इज ए भोलाटाइल डेफिनेट यार आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो डेफिनेट भूली जाए ना ये थोड़ी ना मन रखे बुझीपे मुझे जहाँ कहे बिकज व्वेन यू सट डाउन आवर कंप्यूटर तो डाटा विल लॉस्ट जितने आप सट डाउन करेंगे सांगे सांगे डाटा लॉस्ट कर ये गोटे कौन वोलेटाइल मेमोरी बट क्लिपबोर्ड में आम किसी टाइम पर्यटन आप कौन आप जो जो जिन कट करते कि कपी करते हैं स्टोर हो जो उपर नुह आप स्टोर होती कपी जब आप कट कि कपी मारदे ये आप डार्क करके आप शो करदे बुझीगले समस्त ना ये आप क्लिपबोर्ड गोटे फीचर्स था आप यार देखिए आप MS Word भी देखते हैं ओके बहुत जगह ये अवेलेबल था
ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଗୁଛି ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ, ସୁପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଫିଚର୍ସରେ। ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାସ୍କ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ କହିବା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ଡେଫିନେଟ୍ ଗୁଗୁଲରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ମାନେ ଟାଇପିଂ କଲେ ହିଁ ତ ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ସରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହବ ନା। ତ ଟାଇପିଂ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଦରକାର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ MS ୱାର୍ଡ ଦରକାର। MS ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଦରକାର, ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଇଜ୍ କରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତ ତିନିଟାକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତିନିଟାକ ଜିନିଷ ସାଇମେଣ୍ଟେନିଅସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି 0.75 ବିଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିପାରିବେ, ଓକେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଖୋଲିପାରିବେ, ମୋଜିଲା ଫାୟାର ପ୍ଲସ୍, ଅପେରା ହେଇଗଲା, ସଫାରି ହେଇଗଲା, ଏସବୁତକ ଆପଣ ଥରକରେ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ନା? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଉଜର ଆମେ ଓପନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର MS ୱାର୍ଡରେ କାମ ଅଛି, MS ୱାର୍ଡ ଓପନ୍ କରିଦେବା। ତା କାଲକୁଲେଟରରେ କାମ ଅଛି, କାଲକୁଲେଟର ଓପନ୍ କରିଦେବା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ରନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଯାଏ? ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ କୁହାଯାଏ। ଟୁ ରନ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ, ସିନ୍ସ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆଲାଓ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ, ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଟୁ ୟୁଜର୍ ଟୁ ରନ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତ ଡେଫିନେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିକି ତା ସହିତ ଆଉ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। MS ୱାର୍ଡରେ ହେଇଗଲା, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ସ କାହାର ଆପଣଙ୍କର MS ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର। ଓକେ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଥାଏ ଆଲାଉ କରିପାରେ ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂକୁ, ସେ ଆଲାଉ କରିପାରେ। ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ ଏଇଟା। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଓକେ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ବଟ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ଫିଚର୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓକେ ଡିକ୍ଟେଟ୍ ଏନି ହାର୍ଡୱେୟାର ପୋର୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲଗ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, କାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର USB ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବ ନା ଇଅର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସୋ କରିଦେବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, କି ଆପଣ ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇକି ସେଠି ସୋ ବି କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବୋଲି। ଓକେ, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ବି ଆରାମସେ ସୋ କରିଦେବ। ଓକେ, ଦ ହାର୍ଡୱେୟାର ଇଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ କରେ, ୟୁଜର୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଡିଭାଇସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଲଗାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କାହାର, ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଉ କରିପାରେ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନ୍ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଏଇ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସାଇ ସାଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଖେଇଦେବ, ଆପଣ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଆରାମସେ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଗଲା, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସୋ କରିଦେଇ ନା ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗଲା ପରେ, ତ ସେମିତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଂ ଆପଣ ସୋ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସ୍, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଇଏ ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆପଣ କହିଲେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଚାଲିଛି। ଯେତିକି ମୋ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 11 ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଏତିକି ଅଛି ନା? ଆହୁରି ବି ଥିଲା, ଆ ପୁରୁଣାରେ, ହୁଏତ ମୋ ଉପରେ ସେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଆ ପୁରୁଣାରେ ଆହୁରି ବି ଥାଇପାରେ। 1993 ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଧେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ NT, ତ ସେମିତି ଆହୁରି ବି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥାଇପାରେ। ମୋର ଯେତିକି ଜଣା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭର୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଡେ ବାଇ ଡେ ଜିନିଷର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଆସୁଛି, ଡେ ବାଇ ଡେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ସନ୍ ନିଡ୍ ହେଲା। ଓକେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ NT ଥିଲା, ଆର କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କିଛି କିଛି ଫିଚର୍ ଥିବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 95 ହେଇଗଲା କି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 90 ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଆସିଲା କେବେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ନା? ତାକୁ ମୁଁ MCQ ରେ ଡିଲ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏଠି MCQ ରେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିନେବି। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆସିଲା, 90 ଆସିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମି ହେଲା, ତାପରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 2000 ଆସିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ XP ବହୁତ ପପୁଲାର ଥିଲା, ତାପରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଭିଷ୍ଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8 ଆସିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଆସିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 11 ଆସିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦିଏ ଯେ କେଉଁଟା ଆଦରୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ର ଭର୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଲେଖାଇଥିବ 1990 ଲେଖାଇଥିବ ନା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 99, କ'ଣ କହିଲେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 99 ନା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣି ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଲେଖାଇଥିବ 2005, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ସନ୍ ନଥିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭର୍ସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ସବୁବେଳେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୁଏ ଜିନିଷ, ତ ଏଇ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 8 ପରେ ଆପଣ ତାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, 10, 11 ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭାଲୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱିଣ୍ଡୋଜେସ୍, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରଖାଯାଇଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ପିକ୍ କରିଥିଲି। ଏତିକି କହିବେ ସାର୍ ଏତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ନା? ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭର୍ସନ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଯେତେ ହେଇଚାଲା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭର୍ସନ୍ ତ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱେସ୍, ଏବେ ଆପଣ କେମିତି କରିବା, କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଟିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଏ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମୋଡ୍, ଆପଣ ବୁଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମୋଡ୍, ଡେଫିନେଟ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ୱେସ୍ଟେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କଲେ କେମିତି କାମ କରେ, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେନ୍ ୱି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରିବେ, ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପାୱାର ବଟନ୍ ଥାଏ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, CPU ଗୋଟେ ଦେଖି
फास्ट ऑल द लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रथम आप कौन हुए ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड हुए ओके विंडोज टू स्टार्टअप इन द वर्किंग कौटू आप आने RAM रु आपर RAM आणव एंड चेकिंग ऑल द हार्डवेयर सबुतक हार्डवेयर को चेक कर कंपोनेंट जहाँ भी आपको लगे ठीक से लगे ना ये सबुतक आप चेक कर कि आप हुए स्टार्ट हुए कंप्यूटर ओके दिस प्रोसेस इज नोन एज बुटिंग जितेबाला आप बुटिंग क्या कहुए जिते आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे सबुतक हार्डवेयर प्रॉपर्ली कनेक्ट अच्छे ना चेक करा आप कौन कहुए बुटिंग बोली कहुए ओके आफ्टर बुटिंग वी गेट स्क्रीन व्हेन वी आप जोटा कि आप डेस्कटॉप बोली कहते ठीक अच्छे मुझे जिन बुझे टी डिटेल्स देखिए जो आप पोस्ट जो प्रोसेस थाए आप कहे बूटस्ट्रैप लोडर जो हुए विषय बुझी ना बिकज एग्जाम क्वेश्चन उठे देखो बुटिंग प्रोसेस आपको कौन जितने आप पावर ऑन करेंगे मैंने कंप्यूटर को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते ओके सप्लाई आपको देते ओके तो आपको कौन हुए बायो स्टार्ट हुए बायोस को आपको कौन BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको स्टार्ट हो जाए आपको कौन कहे पोस्ट कह जाए ओके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी आपको कहींपर ओके से आपर स्टार्ट होगा मन थे हुए बुट डिवाइस मैंने सबुतक डिवाइस जहाँ भी आप लगे सबुतक हार्डवेयर गुड़ाक प्रॉपर्ली कनेक्टेड अच्छा ना सेटा चेक कराए आप कौन हुए बुट स्ट्राप लोडर आसे कौन कह बुट स्ट्राप लोडर आसे ऑपरेटिंग सिस्टम आसला कर्नल होगा सिस्टम प्रोसेस होगा यूजर स्पेस होगा तापर जाइए कौटा आप देखिए लिखा जदि आप पासवर्ड देखिए लिखाई थोड़ा यूजर आई डी पासवर्ड ये दिंतु मैंने यूजर आई डी तो लिखाई थोड़ा पासवर्ड देखिए ऑथेंटिकेशन ये आप करूँ तो मैंने प्रोसेस देख पाते आपन सीना कंप्यूटर को ऑन करते भितर के प्रोसेस थरक होगा कौन कहला कौ पावर ऑन कले पोस्ट है जोटी आप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लगेगा चेक कराला जे सबुतक डिवाइस प्रॉपर्ली कनेक्टेड अच्छे ना आप चेक कला कौन बुट स्ट्रैप लोडर तरह एंट्री कला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कर्नल होगा आप देखिए तापर आप सिस्टम प्रोसेस है कि यूजर स्पेस पाक पड़ेगा मानते यूजर मैंने कौन एवं यूजर को हैंडओवर करागला से तार पासवर्ड देखिए एंट्री कर देखिए केते गुड़े प्रोसेस आप कंप्यूटर ऑन कला इनवल्व हो पाँच तो यही सब जिन आप बुटिंग प्रोसेस इनक्लूडेड था बुझीगले समस्ते छोटिया जिनस आई थिंक आगुरी समस्ते जिन जानते ओके नेक्स्ट के आगे जा देखो एवं आसा बुटिंग आप दु टाइप थे कौन कहते देर आर टू टाइप्स ऑफ बुटिंग गोटे हूँ कोल्ड बुटिंग आउ गए आपको वार्म बुटिंग आ विषय डिटेल्स पढ़ा टी बुझापा ट्राए कर देखो ए कोल्ड बुटिंग इज अल्सो कॉल्ड एज कोल्ड बुट को मन रखे एग्जाम पचार पड़े हार्ड बुट को आउ कौन कहुए मन रखे हार्ड बुट को आप कौन कहुए कोल्ड बुट बोली कहुए तो मैंने कौन हुए इट इज द प्रोसेस व्वेन यू फास्ट स्टार्ट द कंप्यूटर इन द अदर वर्ड व्वेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड फ्रम इट्स इनिशियल स्टेट बाय प्रेसिंग द पावर बटन इट इज कॉल्ड कोल्ड बुटिंग ओके बुझे किसी व्यस्त दरकार नहीं ओके द इंस्ट्रक्शन आर रेडी फ्रम द रोम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड टू द मेन मेमोरी ओके बुझे टी देखो आपंकर कौन हुए जितने कोल्ड बुटिंग मैंने कौन सका शोचे सका उठिले बर्तमान कंप्यूटर ऑन करार अच्छे कौन वार्म बुटिंग कह कहूँ कोल्ड बुटिंग मैंने बहुत टाइम है कंप्यूटर स्टेबल होता है कंप्यूटर को स्टार्ट कले कंप्यूटर स्टार्ट कले आपको कौन हो तो डेफिनेट है आप जो रोम्रे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोड होता है रीड ओनली मेमोरी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन रिकॉल कर दो बर्तन तो रिकॉल कले आप सबुतक बुट जहाँ भी आपको आगे प्रोसेस अच्छे से धीरे धीरे तरह से चलो तो मैंने कंप्यूटर को इनिशियली स्टेट जो ऑन करुचे स्विच बटन को ऑन करुचे कौन कहुए कोल्ड बुटिंग कहुए आ मन रखे एग्जाम जब पचारा कोल्ड बुटिंग को आउ कौन कहुए आम हार्ड बुट बोली कह कंप्यूटर इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज को आपको कोल्ड बुटिंग कहुए एवं जब वार्म बुटिंग क्या कहुए बुझापा ट्राई करें देखो वार्म बुट इज अल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट बुट कौन कहते हैं सॉफ्ट बुट कह देखो इट रेफर्स टू व्हेन वी रीस्टार्ट द कंप्यूटर ओके हियर द कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट व्हेन द सिस्टम गेट ओके स्टॉक सम टाइम इट रिक्वायर्ड टू रीस्टार्ट इट व्हाइल इट ऑन ओके देयरफॉर इन दिस कंडीशन द वार्म बुटिंग ओके टेक प्लेस रिस्टार्ट बटन और आप कंट्रोल ऑल डिलीट मैंने आप गोटे रिस्टार्ट गोटे ऑप्शन आसीबो कीबोर्ड माध्यम से जोटा कि वार्म बुटिंग कहुए ठीक है बुझा ये तो थ्योरी पार्ट था पढ़ीदे देखो वार्म बुटिंग मैंने आप कंप्यूटर बर्तमान काम करते कौन कहे कंप्यूटर काम करते कंप्यूटर हैंग होगा मुंडे कि मैंने कंप्यूटर आज किसी फंक्शन कोनी आप माइंड किसी काम कले सांगे सांगे कौन करता रिस्टार्ट करता काले कंप्यूटर ठीक से चलो ना तो सहीटा को ही आपको कौन कहुए वार्म बुटिंग कहुए बुझे ना वार्म बुटिंग मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा आउ थे कंप्यूटर को कंप्यूटर स्लो हो कि गोटे नुआ एप्लीकेशन आप इनस्टॉल करे गोटे नुआ एप्लीकेशन इनस्टॉल कला पर आप कौन करा दरकार डेफिनेट कंप्यूटर को रिस्टार्ट करा दरकार ना कंप्यूटर भल सेफ्टी बुझी पड़ते ना तो से आप कौन करेंगे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो जदि कंप्यूटर स्टॉक हो कि किसी इंटरप्रेट हो मैंने ठीक से काम करनी तो आप कौन करेंगे रिस्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर हैंग हो स्लो जहाँ भी होती रिस्टार्ट करेंगे जो रिस्टार्ट प्रोसेस को आप कौन कहुए वार्म बुटिंग कहुए जोटा कि आप कौन कहुए सॉफ्ट बुटिंग भी कहुए आप डायरेक्टली यार बटन प्रेस करके आप चेक करेंगे अदरवाइज आप कंट्रोल ऑल डिलीट जब आप शॉर्टकट की जाना तो डेफिनेटली आपको प्रेस करदे आप गोटे ऑप्शन आसीज तो डेफिनेटली आपको क्लिक करें कौन करेंगे वार्म बुटिंग करेंगे आशा करते तो बेसिक जिन समेत बुझीगले नहीं जा बुटिंग मैंने कंप्यूटर पर स्टार्ट होगा
कंप्यूटर स्टार्ट कर आपको कौन देखा डेस्कटॉप ही शो करेंगे ना तो डेस्कटॉप रे किसी फीचर्स आम पढ़ा जो आप देखते हैं मॉनिटर जो शो करे ही नॉर्मली डेस्कटॉप ही कहुए देखो आफ्टर बुटिंग द कंप्यूटर इन विंडोज मोड द एरिया डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज डेस्कटॉप जितकी एरिया आपको शो करोगे आपको स्क्रीन में ताको ही आपको डेस्कटॉप बोली कहुए ओके ऑन डेस्कटॉप वी गॉट आइकन आप कौन देखापी पाइबे सब छोटे छोटे आप आइकन ये सब आप लेफ्ट साइड में गोटे गोटे आइकन आप देखेंगे जो भाई आप फाइल बनते से भाई आप आइकन शो कर आइकन होगा माउस पॉइंटर भी आपको शो करदेव ओके माउस पॉइंटर गोटे तीर चिन्ह भाई आपको शो करदे ना नहीं स्टार्ट मेनू आप तले शो करदे सेमती टास्क बार मैंने तले सांगे सांगे आप शो करदेव टास्क बारे कौन कौन अवेलेबल अच्छी ओके तो सब मैंने आप क्विक आसेस करने भी टास्क बारे बहुत जिन रखिपारे ना तो से कथ से कहूँ ओके से कहूँ ओके ये सब जिन शो करा जब आप कौन जिन रन करेंगे तो आप कौन करेंगे डबल क्लिक करदे आइकन पर सांगे सांगे आप करेस्पंडिंग जो आप क्लिक करते हैं सांगे सांगे ओपन होगा आप ये क्लिक करेंगे सीट ओपन हो सेमती नहीं करेस्पंडिंग जो रिक्वायरमेंट अच्छे तापर डबल क्लिक करदे ओपन हो आइकन पर क्लिक कले ही ओपन हो बुझे समस्त ना निश्चा ओके आप जानते जब आप डेस्कटॉप डेस्कटॉप ओपन करदे तो आप तो नॉर्मल आइकन फाइकन पाईगले तो आउ कौन इंपोर्टेंट जिनस शो कर फास्ट हो माइ कंप्यूटर आप गोटे माइ कंप्यूटर गोटे शो करो गोटे आइकन टे माइ कंप्यूटर शो करो गोटे इंपोर्टेंट जिनस द गेटवे टू टू योर कंप्यूटर ड्राइव्स और डाटा स्टोरेज तो माइ कंप्यूटर पर क्लिक कला कौ ड्राइव में आपत डाटा रखते सी रेत रखते एफ रे रखते इ रेत रखते ये सब जिन आप जानपरेंगे कितने जो आप माइ कंप्यूटर को क्लिक करेंगे से शो करदेव एमती आप देखेदेव एतिक जी फिलअप अच्छे एतिक स्पेस अच्छे ये सब जिन आपको शो करदे ओके से कहे आइकन आइकन विषय जानते इट इज ए सिंबल और ए स्मॉल पिक्चर इट इम्प्लीमेंट लिंक टू ए सर्टन ऑब्जेक्ट दैट कनेक्टेड टू द प्रोग्राम और फोल्डर देखो आइकन हो केवल आप्लिकेसन आप्लिकेसन को आइकन कहीपरें किसी फोल्डर होगा फाइल को भी नॉर्मल आइकन गोटे गोटे कहीपरें बिकज एटा तो डिस्प्ले आपको शो करदेव ना छोटे छोटे एडिक डबा डबा ओके बुझीपड़ते रिसाइकल बिन विषय आई थिंक समस्त जानते हैं रिसाइकल बिन कौन इट कंटेन ऑल द डिलीटेड फाइल जहाँ आप डिलीटेड करते सब जो कंटेन्ट कौन रही है रिसाइकल बिन रही पर स्टोर करा कत शो कर डेफिनेट आप कंप्यूटर अन् करेंगे रिसाइकल बिन भी गोटे फोल्डर टे आइकन टे गोटे आपको शो कर बुझे समस्त ना सेमती आपको बैकग्राउंड होगा बैकग्राउंड मैंने कौन जो आप डिस्प्ले जो पचपटे आपर निजर जो फोटो रखी पारती ओके आम कह बैकग्राउंड कहीपर वॉलपेपर भी नॉर्मल ताको कौन बैकग्राउंड मैंने पचटा ओके देखो तो डिस्प्ले और ए स्क्रीन व्हिच इज बिहाइंड द आइकन इज नोन एज बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप वी कैन सेट और चेंज इट तो डेफिनेट आम कौन कर चेंज करम बैकग्राउंड को आम सेट भी करमक जहाँ दरकार कि कौन थीम है यूज करके भी आप बैकग्राउंड को आराम से चेंज करेंगे ये सब बेसिक जिन आप कौन गोटे डेस्कटॉप नेक्स्ट टी आगे जी ओके एवं पढ़ा आम डेस्कटॉप तो अन होगा सब जिस शो करा आइकन है कि बैकग्राउंड होगा सब जिन शो करा माउसटा धरिक आम कौन कर तो माउस बहुत गुड़े फंक्शन अच्छी आम नॉर्मल कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ते बट आपको आदि डिटेल्स पढ़ापी ट्राए करा ओके देखो द माउस इज मोस्ट यूजफुल आपको टूल व्वेन वर्किंग विथ आप विंडोज विंडोज जब कम करते माउसटा के बढ़िया काम कर बिकज माउस फीचर्स भी तेरे आम आड करता सब मेनू होगा रिफ्रेस होगा यह सब जिस अवेलेबल थे ना न्यू आप फोल्डर के करेंगे सब से माउस ही नॉर्मल आप चलते ओके इट अलाउ यू टू क्विक सिलेक्ट एंड रन प्रोग्राम बाय सिंपली क्लिकिंग द बटन आप क्लिक कलापर आप सब जिन क्विकली आक्सेस करेंगे सहित बहुत जिन आप माउस मध्यम भी करेंगे देखो यू क्या आपरेंगे कि डिफरेंट वे आम जो यूज करते विषय में पढ़ा देखो पॉइंटिंग माउसटा गोटे पॉइंटिंग डिवाइस तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन करे मूव योर माउस सो दैट वी कैन क्रसर पॉइंट ऑफ ए आइटम ऑफ ए स्क्रीन तमें गोटे स्क्रीन में गोटे आइकन अच्छे आम मूव कर ए जगह नहीं कि ए जगह रखी पार्बा केमती आम क्लिक कले आपठी शो कर पॉइंटिंगटा आम चेंज कर तो लोकेशन आराम से जानते समस्ते क्लिकिंग मैंने कौन होल्ड द माउस स्टिल आप होल्ड रखिए मैंने कौन जो आइकन पर आप क्लिकिंग कराया रखिए रखला क्लिक करेंगे लेफ्ट को राइट गोटे अच्छे लेफ्ट गोटे अच्छे लेफ्ट को क्लिक कला मन रखिए ओपन हुए कौन कहे आप जो माउस ये रहा तो ये आप राइट एटा आ मन रखिए लेफ्ट एटा ये तो क्रसर थाए ना तो ये जो लेफ्ट पर जब आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक कले ओपन हुए ओके तो बस ये कहे क्लिक द माउस बटन वन्स क्लिक द यूजुअली ओके सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट जब सिलेक्ट कराया थे क्लिक करेंगे से ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती ओपन करेंगे डबल क्लिक करेंगे से आपको ओपन हो बुझे ना तो तले आप लिखाई देखो डबल क्लिक करेंगे कौन हुए होल्ड द माउस आप करेंगे जब सिलेक्ट कराया थे क्लिक करेंगे मुझे जब आप कंप्यूटर सिलेक्ट करार अच्छे गोटे आप किसी भी गोटे फाइल फाइल होगा आइकन होगा किसी भी ताको आम थे क्लिक करवा ओके होल्ड द माउस स्टिल एंड क्लिक द लेफ्ट करेंगे ट्वाइस को तो सही कौन होपन हो डबल क्लिकिंग यूजुअली ओपन द प्रोग्राम और फाइल और एक्सपांड आपरेंगे एक्सपांड भी आप ओपन हो पे क्लोज हो पे सरी क्लोज कहूँ ओपन हम आराम से जो फाइल आप चाहते डबल क्लिकिंग आई थिंक समस्त जानते हैं समस्त भी यूज करते हैं राइट क्लिकिंग विषय तो आम पढ़ू होल्ड द माउस टिक एंड क्लिक द राइट क्लिक माउस ओके वन्स राइट क्लिक यूजुअली ओपन द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू दैट प्रोवाइड यू विथ ए सेट ऑफ रेलेवेंट ऑप्शन ता माने आपण राइट क्लिक कले कोन हो माउस रे
समस्त राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक कले कौन विभिन्न ऑप्शन देखे दबो ओके नेम साइज तापर आपन रिफ्रेश हेगला फाइल न्यू फाइल हेगला ए बहुत जिनस आपन शो करबा प्रॉपर्टीज भी आपन जाई भी चेक कर परबे जो जिनस आपन कौन जानिया पई चाहन्छु गोटे इमेज रो प्रॉपर्टीज राइट क्लिक करबे से तार उपरे आपन शो कर देबो लास्ट को आपन प्रॉपर्टीज भी जाई परबे तो आपन को राइट क्लिक ने आपन को सब मेनू शो कर दिए कोन कहली आपन सब मेनू माउस रे केमती पाई परबे राइट क्लिकिंग करे गोटे सब मेनू देख देबो जोटे कि रिलेवेंट ऑप्शन आपन शो करबे जोटा पे दरकार थाए आसे करछि ए विषय रो टिकट के जानिथि नेक्स्ट होछि ड्रैगिंग ड्रैगिंग तो समस्या जे पोजीशन चेंज करियार अछि माने गोटे आइकन पोजीशन आउट जगह हम चेंज करबे आपन ड्रैग करके ड्रॉप करि पइबो पोजीशन योर माउस ऑन ए ऑब्जेक्ट होल्ड डाउन टू द लेफ्ट 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 को क्लिक करबे राइट को क्लिक करबे एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट रिलीज द बटन ड्रैग करके रिलीज करले से तार मूव तार जो पोजीशन ने मूवमेंट से क्रिएट करि पइबो एटा नॉर्मल समस्त जानिछ जो ये तो बेसिक आइडिया था माउस उपरे एबे जेबा टास्क बार डिफरेंट आमे कंप्यूटर ऑन करले माउस रो फंक्शन बुझी गेले एबे जेबा टास्क बार माने आपन जानछन ए जो तळटा एटा को आपन कोन कहजे टास्क बार कहजे मते डी गेले केतेटा टास्क वर्तमान ओपन अछि मते डी करे टिके जूम करी देखिया पय ट्राई करन केतेटा टास्क मन किबे एतरे दीटा टास्क वर्तमान ओपन अछि कोटा कोटा ए जो आपन देखछन एटा गोटे एटा गोटे विंडो सिंबल जोडा छै सेटा गोटे आ एटा गोटे मते डी गेले एबे को टास्कटा एक्टिव हेइ कछि कोटा मिनिमाइज हेइ कछि तो डिफरेंट यार ए जो टास्कटा आपन मिनिमाइज हेइ कछि ए जो टास्कटा आपन एक्टिव हेइ कछि एक्टिव रे टिके डार्केनिंग अधिक रहइबो कि आपन कहबे जो जो अंडरलाइन अछि टिके बड अछि जोटा आपन एक्टिव नाही ता अंडरलाइन देखन डॉट बढ़िया अछि बुझिगले ए सब जिनस आपन धीरे धीरे जानिया पय पड़ो देखन तो टास्क बार लाइज अक्रॉस द बॉटम एजेस ऑफ योर स्क्रीन आम स्क्रीन में कौटी भी टास्क बार रखी पारा लेफ्ट राइट ऊपर टॉप बॉटम आम कस्टमाइज भी कर पार देख तो स्टार्ट बॉटम ऑन द लेफ्ट प्रोवाइडेड डेफिनेट जो स्टार्ट बॉटम थे ये आप लेफ्ट रे थे आजिकल विंडो सिंबल आसे से विंडो सिंबल आसे बट से स्टार्ट लिखाई थे ये लिखाई से स्टार्ट लिखाई थे ओके डाटा फाइल एंड अदर आप कौन करेंगे प्रीवियस आसेस ओके तो स्टार्ट बटन में कौन कर जहाँ भी प्रीवियस आसेस ओके आम जहाँ आसेस कर सबुदक आप शो करदेव आप क्लिक करदे ऑल प्रोग्राम आसीजी जहाँ जहाँ आप इनस्टॉल करते तादर भी आपको शो कर आपको स्टार्ट बटन को गला ओके से कहे अदर फीचर्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू ओपन द प्रोग्राम और फाइल ए करेस्पंडिंग रेक्टांगुलर आइकन विल बी डिस्प्ले ऑन योर टास्क बार देखो जदि मो गेम ओपन करछि कोन कहल जदि मो गेम ओपन करछि गेम रो आइकन ऊपर थिला ताको मो ओपन कर देले से बे कोड शो करइबो आसी कि टास्क बारे एठो गो गेम रो गो लोगो आसी जइबो सेटा को से कहूछि अपन जदि कोनोसी जिंस ओपन करछन्ती से टास्क बारे शो करइबा स्टार्ट कर दो कोन कहले कोनोसी गो फाइल खोलछन्ती गो फोल्डर खोलछन्ती मोर जिला फाइल प्रोसेस हेगला कि अपन को क्रोम हेगला कोन कहले गो क्रोम गूगल क्रोम हेगला तो क्रोम ता एठी अपन शो करइबो ना नै जदि ओपन कर देछन्ती जदि क्रोम रे काम करछन्ती आ जो डार्केनिंग थिबो ठीक अधिक थिबो काम न कर मिनिमाइज थी तो डेफिनेट डार्किंग टे कम थी एटा हूँ डिफरेंस ओके आगे जी देखो इवन इफ द प्रोग्राम हाज मिनिमाइज एंड नो लॉन्गर विजिबल ऑन योर स्क्रीन ओके टू असेस दैट प्रोग्राम यू नीड टू क्लिक ऑन द आइकन एंड टास्क बार ओके तो आप जब से प्रोग्राम को आउ थे ओपन कराया आसेंगे टास्क बार को आसेंगे ये क्लिक करदे से प्रोग्राम पूरा ओपन होके मिनिमाइज मैक्सिमम से पर कथ कौन करेंगे आप जो भी टास्क ओपन करेंगे सबुतक टास्क बार आसिक भाई रही बुझीगले समस्त से मिनिमाइज हो था कि मैक्सिमाइज काम कर था कि मिनिमाइज हो सबुतक टास्क बारे अवेलेबल थी ओके जपर्त आप क्लोज करना तापर बाकी नेसेसरी जिते जिनसे आपड़ समस्त जानते नेक्स्ट आगे जाए टास्क बार भर बुझीगले एवं स्टार्ट मेनू आप टास्क बार भर बुझे कौन टास्क बार मैंने कौन ये टोटालटा एवं आम पढ़ा कौन द स्टार्ट मेनू ये जो आप स्टार्ट मेनू जो ये बटन देखते विंडो सिंबल आपको ही आप स्टार्ट मेनू कहुए एथे आप कौन था आम पढ़िया बुझे देखो व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन आप क्लिक करदे ए सेट अफ मेनू ऑप्शन इज डिस्प्ले तो मैंने देखो पूरा सेट अफ मेनू आपको शो कर देला सब जिनस जहाँ जहाँ दरकार न नेसेसरी जिनस आदर शो करदेव ता सहित आपड़ जहाँ भी इनस्टॉल करते आदर ही आसो सर्च कले तो आप आराम से पारे ना ऑल फाइल जाइए कौटे स्टोर करते आप आराम से पाइप देखो द कंटेंट आर वेरी डिपेंड अपन द कंप्यूटर स्टेट सेटअप एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आसेस प्रोग्राम तो मन रखे जो अधिक टाइम आप आसेस करते से सब नर्माली यही जगह देखेद मोबाइल जो अधिक टाइम आसेस करते आपको आगे रख दिखते ना सेमती जिनस जहाँ भी फ्रिक्वेंटली आसेस करती भी शो करेंगे यहाँ डिपेंड कै पर्सन पर्सन को भाई कस्टमाइज करके रखी जो मैं दरकार थी धन्य गोटे पिला को एटा कल कलु आपको गेम गुड़ाक शो कर सेटिंग करदे थो तो डायरेक्टली गेम खेली पार ना किसी लोक अच्छे ये आपको कौन रखी पारे एम एस अफिस सबुतक रखिपारे जो मैंने फ्रिक्वेंटली यूज करें कस्टमाइज करेंगे आराम से ओके स्टार्ट मेनू में आप सबुतक प्रोग्राम देखिपारे इफ यू क्लिक ऑन द प्रोग्राम ऑल प्रोग्राम यू कैन सी ऑल द प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर इवन दो दे आराम से आप सबुतक जब ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते जिते भी आप इनस्टॉल कर जानते गोटे एप्लीकेशन आप इनस्टॉल कर कंप्यूटर रखिथे तादर भी आप शो कर गोटे कथ जी आप विंडोटा शो करें बर्तमान माउस कम करनी ए विंडोजा को कमी आप अफ करेंगे
माने जो आपन जो स्टार्ट स्टार्ट बटन ऊपर क्लिक करले जो आपन विंडोज आपन जोटा ओपन हिचे ताको हम क्लोज केमती करबे विदाउट माउस रे डेफिनेट आपन कोन करबे एस्केप की को आपन जदि कीबोर्ड रो एस्केप की को प्रेस कर देबे तो डेफिनेट आपन कोन हो जइबो ए विंडोटा आपन हटि जइबो माने स्टार्ट बटन टा क्लिक रहइबो नाही बुझी गेले छोटिया जिनस थिला आई थिंक जो माने बुझी गेले बहुत बढ़िया आई थिंक समस्त जानि थिबे एबे किछ छोटिया छोटिया जिनस आपन कहि देबी कोटा कोन यूजेस थाय देखन ये जो आप जहाँ भी आप फाइल खोल जहाँ भी किसी खोल ऊपर जोटा देखाए आम कौन कहता यहाँ आप कौन कहते टाइटल नेम जहाँ आप ना शो करो सरी ये जो कंट्रोल पेन यार नेम यू आम कौन कहता टाइटल बार कहवा मेनू बार के आसो मन रखे टाइटल बार तले ही आप मेनू बार आसे देखो टाइटल बार तले मैंने यहीटा को आप कौन कहते मेनू बार जो आप फाइल एडिट व्यू फेवरेट टूल्स हेल्प या भितर भी सब मेनू थाए मेनू बारे भी आपको सब मेनू आहरी थाए बुझे समस्त जब आम मिनिमाइज तो ये समझ जानते मैक्सीमाइज तो ये समझ जानते आ गए क्लोज ए तीन टाक बटन आप डेफिनेटली अवेयरनेस थी सहित वर्टिकल स्क्रॉल बार आउट मन के आउट स्क्रॉल बार होता कहीपर वर्टिकल आउट हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रही है जब आप अधिक आइटम थी बुझे आप बहुत जिनस अवेलेबल अच्छे एवं देखिए मैंने धीरे धीरे आम गोटे जिन आगे देखा देखा टाइटल बार विषय भी डिटेल्स पढ़ा मुझे कहते हैं टाइटल्स बार कौन जो नेमटा आप थी आम नॉर्मल टाइटल्स बार कह देखो टाइटल बार क्या कहते द टॉप लाइन ऑफ द विंडोज इज कॉल्ड द टाइटल बार एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द करेस्पंडिंग प्रोग्राम और फोल्डर फोल्डर ना कौन कि जी मुझे सुनील गोटे फोल्डर लिखी तो जो सुनील गोटे फोल्डर बने से कौटे शो कर एक जगह शो कर जब मुझे माइ कंप्यूटर ऑन कर डेफिनेटली माइ कंप्यूटर शो करना तो टाइटल बार कौन से फोल्डर ना हो कि फाइल ना तेरे सी शो करदेव बुझीगले समस्त ओके तापर यू कैन मूव आन ओपन विंडो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर स्क्रीन बाय ड्रैगिंग इट्सेल्फ इट्स बार तो डेफिनेटली आम जो बार जो बार रही जगह आम जो क्लिक करके मूव करवाई चाहिए यार्ड साइड यार्ड साइड लेफ्ट कुछ रखा राइट कुछ रखा आम आराम से आडजस्टमेंट करज स्क्रीन में कतबाद जो आप कौन करेंगे टाइटल बार उपर आप क्लिक करके आडजस्टमेंट करेंगे जो आपको गोटे थाए आप जो आप ओपन करेंगे जो जिनसा बुझीगले ना नेक्स्ट के आगे जी देखो इफ मोर देन वन विंडो इज ओपन ए स्क्रीन देन क्लिक ऑन द टाइटल बार तो डेफिनेटली आप बहुत गुड़ा आप ओपन होती है जो टाइटल बार उपर क्लिक करदे तो सीटा को ओपन कर धन ये गोटे अच्छे माइ कंप्यूटर आउ गए देखो ये आउ गए एमती अच्छे ये आउ गए फोल्डर खुले कम धन सुनील गोटे काम करेंगे ये आप क्लिक करदे सुनील टा आप गायब हो केवल आप माइ कंप्यूटर शो कर सही कथा कहूँ टाइटल बार उपर क्लिक कले आप शो करदेव से ही आप जो ओपन करदे ओके पूरा कंप्लीटली आप देखे ओके इफ मोर देन वन पॉइंट आप कौन करेंगे टाइटल बार उपर क्लिक करदे विल मेक द विंडोज एक्टिव आम एक्टिव भी करें टाइटल बार उपर क्लिक करके विंडोज मैंने जो आप ओपन करते प्रोग्रामा आम आराम से एक्टिव करके व्हिच इज इंडिकेटेड बाय डार्क मैंने डार्कनेस डेफिनेट जो आक्टिव रही है डार्क शो करना मैं मोबाइल स्टार्टिंग में बुझे गोटे आक्टिव थी डार्क हिं शो कर ओके बुझे यहाँ बेसिक जिस समस्त भी जानते हैं आप पढ़िया जो तीन टाक बटम आप अवेलेबल अच्छे तरह काम कौन था देखो देर आर थ्री कंट्रोल बटम आर द राइट 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 एंड्रे आप टाइटल बार व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय द क्लिकिंग ऑन देम तो डेफिनेटली जब क्लिक करवा से आक्टिव होमती कि मिनिमाइज मिनिमाइज मैंने कौन यो मिनिमाइज जिस कौन करेंगे कीप योर प्रोग्राम ओपन आप जितने मिनिमाइज सिचुएशन आसो प्रोग्राम काम कर प्रोग्राम रन नहीं थी बट आप कौन करेंगे रिड्यूस इट टू ए रेक्टेंगल आइकन ऑन ए टास्क बार मैंने से कहे आप जो टास्क बार अच्छे मिनिमाइज करेंगे टास्क बार तौक ये पूरा पड़े आसो मैंने ये आप आसिक गोटे आइकन भाई ये काम कर बुझीगले समस्त आप हुए जितने मिनिमाइज क्लिक करेंगे तो सी आप तौक आसिक ये गोटे टास्क बार भाई आइकन में काम कर बट सीटा आक्ट थी गीत शुणा बेल मिनिमाइज करते थोड़ा गीत बंद हो ना सीटा आक्ट थी देखते आपको क्लोज करना तरह पढ़ा रिस्टोर रिस्टोर मैंने कौन रिड्यूस द साइज फुल स्क्रीन कर छोट स्क्रीन कर बड़ स्क्रीन कर रिस्टोर मध्यम करेंगे छोट स्क्रीन करेंगे ओके एडिट जमी टोटाल डिस्प्ले धन्य एडिकटे डेस्कटॉप एडिकटे आप चाहते एडिक्ट स्क्रीन करवाई कि एड बड़ स्क्रीन करने सबूतक ये रिस्टोर मैक्सीमाइज आपड़ यहाँ करेंगे रिस्टोर मैं जो ये सेकेंडा छोटो कि बड़ आप आराम से करेंगे बुझे समस्त ना क्लोज क्लोज मैंने कौन आप डायरेक्टली जो प्रोग्रामा अन् अच्छे क्लोज करने कौन आगे क्लिक करदे डेफिनेट आप कम करदे ना अल डेफर मारदे सी भी आप उड़ी बुझे ना ये आप क्लोज बटन आई थिंक ये तो अवेयरने समस्त ना एवं जी मेनू बार आपको अलरेडी आम टाइटल बार विषय पढ़ीगले उपरटा को आप नर्माल कौन कहते हैं टाइटल बार कहते हैं तले आप मेनू बार आसे देखो ये आपंकर कौन होगा मेनू बार ओके मेनू बार आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको अवेलेबल रहा है देखो मेनू बार इज अपटू टू द बेनिथ द आप टाइटल बार तले मिल जाव ऑन द मेनू बार वी गॉट डिफरेंट मेनूज टू इज आउट आवर वर्क तो आम काम करने डिफरेंट मेनू मिल जाए जमीन कि फाइल होगा स्कैन होगा व्यू होगा हेल्प होगा सेमती समस्त मेनू बार डिफरेंट डिफरेंट आपको थाए बुझे ना जमीन आप पढ़ते हैं एम एस वर्ड मेनू बारे के जिन आप जो रिबन में अवेलेबल थाए
ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଓକେ ଇଜ୍ ମେନୁ ୱି ଗଟ୍ ସବ୍ ମେନୁ ଅର୍ ଦ ଅପ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବ୍ ମେନୁ ଥିବ ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦରକାର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ ସ୍କାନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତା ତ ଲେଖାଥିବ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଟର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତା ତ ଲେଖାଯାଇଥିବ ଓକେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିନିଷ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଓହୋ ଏଠି ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଲାକ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟେ ଟ୍ରେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟାକ ମନେକି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସୋ କଲା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋ କେଉଁଠୁ କରାଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଟାସ୍କ ବାର୍ ମାରନ୍ତି ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଟାସ୍କ ବାର୍ ଅଛି ତ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେକୁ ହିଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବୁଝିଗଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ ଟେ ଦୁଇଟା ଆଗ ଅଛି ତ ଟାସ୍କ ବାର୍ ମାରିକି ଯିବେ ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ ପଚାରିଲା ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଅଛି ତ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଟାସ୍କ ବାର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନାହିଁ ପିଲା କହିବେ ସାର୍ ଟାସ୍କ ବାର୍ ତ ଆମେ ମାରିବୁ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ମାରିକି ଯାଇପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନା ଓକେ କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଦେଖିଛି ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜିଂ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଓକେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସି ସମ୍ ଆଇକନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇକନ୍ ଥାଏ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ୍ ଆସେ ସିମ୍ବଲ୍ରେ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ ଯେମିତି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ହେଇଗଲା କି ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ଟେ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଧିରେ ସୋ କରିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ୱାଇଫାଇରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତା ଦେହରେ ସୋ କରିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ସୋ କରିବ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ କରେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଆଉ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେରେ ହିଁ ସୋ କରିଦେବ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ମାନେ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେମିତି ହେଲା ୱାନ୍ ୟୁ ସେଟ୍ ଦ ଡେଟ୍ ସରି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରେ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ ତ ଆକୁ ଟାସ୍କ ବାର୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଟାସ୍କ ବାର୍ଟା ପୁରା ତଳଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ ନା ଏଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ କାମ ହୋଇଯିବ ଟୁ ସେଟ୍ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓକେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ କାମ ଦେବନି ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଥିବ ତା ଉପରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ୱେୟାର୍ ଦ ଡେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଡିସପ୍ଲେ କରିବ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଥିଲା ଏଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଉଠିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିକ୍ କରିଥିଲି ଓକେ ନେଇଯିବ ଫୋଲ୍ଡର ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଅଛି ଆଉ ଫାଇଲ୍ ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଡ୍ରିପଲ୍ସିର ଏଲ୍ଆଇଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛି ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିଓ ପାଇଁ ପଢ଼ାଇଥିଲି ତ ପିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମିତି ଓ ଡ୍ରିପଲ୍ସିର ପିଓ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଏଲ୍ଆଇ ଓ ଡ୍ରିପଲ୍ସିର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆର୍ଆଇ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଏସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ କି ସ୍ପେସିଫାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବେ ଫୋଲ୍ଡର ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରୀ ସ୍ପେସ୍ ହୋୟାର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେୟାର୍ ଫାଇଲ୍ ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଓ ରିଲେଟେଡ୍ ଫାଇଲ୍ ଆସିବ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଭିତରେ ରଖିବି କି ନା ତାକୁ ଏସ୍ଓ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ରେ କିଛି ମୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ରଖିବି ନା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ ସ୍ପେସିଫାଇ ଆରାମସେ କରିଦେବ ସେ ଫୋଲ୍ଡର୍କୁ ଓପନ୍ କର ତା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ତା ସହିତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫୋଲ୍ଡର୍ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର୍ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର୍ ବନେଇଲି ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ଆର୍ଆଇ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲି ତ ଫୋଲ୍ଡର ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତ ଡେଫିନେଟ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର କୁହାଗଲା ଏ ମ୍ୟାଥ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ର ଚାପ୍ଟର ବି ରଖିପାରିବି ଆରାମସେ ବୁଝିଗଲେ ନା ଏ ଫୋଲ୍ଡର ହୁଇଚ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ ଏ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫୋଲ୍ଡର ଓକେ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର ୱିଲ୍ ବି କଲ୍ଡ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ମେନ୍ ତା ଅଣ୍ଡର ଆମେ ମେଞ୍ଚେ ଆପଣଙ୍କ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ଫାଇଲ୍ ଏ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ କିଛି ରଖିବେନି କି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଯେଉଁ ରଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ କ'ଣ କହିବା ଫାଇଲ୍ କହିବା ଆପଣ PPT ଆକାରରେ ରଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଫାଇଲ୍ ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଫାଇଲ୍ କହିବେ ଦ ଡାଟା ହୁଇଜ୍ ନାଓ ଷ୍ଟୋର୍ ଇନ୍ ଦ ଫୋଲ୍ଡର କିମ୍ବା ଆପଣ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଯେଉଁଟା ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କହିବା ଯଦି ଇମେଜ୍ ରଖିବାର ଅଛି ତ ଇମେଜ୍କୁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କହିପାରିବେ ବୁଝିଗଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଓକେ ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି କହିଥିଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍କୁ ପଳେଇବ ହଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ର ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବଟ୍ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍କୁ ଯିବା କଥା ଯିବ ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ହୋୟାର୍ ଅଲ୍ ୟୁ ଡିଲିଟ୍ ଦ ଫାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡର୍ ଆର୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ଏଇଟା ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ସେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲରେଡ଼ି ସେଟ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ କରିବେ ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯାଇଯିବ ରିସାଇକେଲ୍ ବିନ୍କୁ ଯିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ହିଁ ନାହିଁ ଓକେ
दिस इज द सिस्टम आइकन फाउंड ऑन द डेस्कटॉप ए भला गोटे आपन सिस्टम आइकन देखा थोड़ा एट आई थिंक विंडोज 11 ये भाई शो करुच्चे अपडेट से मैंने करी करी चाहती ओके द डिलीटेड फाइल और फोल्डर कैन बी रिस्टोर और डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन आपन चाहिए रिसाइकल बिन कौन करेंगे रिस्टोर करेंगे फाइल को ना परमानेंटली डिलीट भी करेंगे ऑप्शन आपको से गोटे शो करदेव आप राइट क्लिक करेंगे आप शो करेंगे आप रिस्टोर करने चाहते ना जाकर डिलीट करने चाहते बुझीपड़े ना तो जो जिन आप डिलीट हो कौते ये गोटे कमन क्वेश्चन उठे रिसाइकल बिन जे आपको पचार जाए जदि कौन जिन रिसाइकल बिन अच्छी तो आप मेमोरी जो स्पेस अच्छी से कौन कमीगला कि जब आप कौन जिन गोटे कौन फोल्डर टे डिलीट मारदे कौन गोटे कंप्यूटर जब गोटे फोल्डर डिलीट मारदे 100 GB से तो आप 100 GB स्पेस फांका हो गाला कि ना डिलीट जेपर्यंत आप रिसाइकल बिन कंप्लीट डिलीट करना आपण मेमोरी फांका न थोड़ा मोबाइल भी ट्रांस आप जानते मोबाइल जो गोटे भिडियो आप डिलीट करते हैं कौटे जाए रही ट्रांस है रही है जोटा कि परमानेंट डिलीट हुए ताको आम जाए जो ट्रांस को रिसाइकल बिन भी कहुए ताद्वर जाए आउ थे डिलीट करने पड़े आप सब भावते मोर मेमोरी मुझे गोटे भिडियो को डिलीट करा मोर मेमोरी थी 50 GB आप 50 GB 60 GB कैपेसिटी आप 50 GB ऑलरेडी फिलअप अच्छी गोटे 10 GB भिडियो डिलीट मारे तो डेफिनेटली सेटा कौन आप 40 GB शो करा कथा बट से सब 50 GB पुणी कम शो करते बिकज आप ट्रांस होगा कि आप रिसाइकल बिन डिलीट कले ही जाइए से डिलीट हम थे मारे किसी हुए बुझे ना तो से कथा से कहते ओपन रिसाइकल बिन एंड सिलेक्ट एनी आइटम इन इट नाउ यू कैन डिलीट करें प्रेसिंग द डिलीट कीबोर्डर आफ्टर प्रेसिंग द डिलीट की द फाइल ऑफ फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो टेम्पररी डिलीट हो मैंने कौन नॉर्मल आप कंप्यूटर कौन जिस डिलीट मार्चन से टेम्पररी हम जो आप आसेंगे रिसाइकल बिन डिलीट मारे से परमानेंटली हो ओके इफ यू वांट टू रिस्टोर करने चाहते आप बैचान्स हाथ में डिलीट बटन बेले बेले बाजि जमीक एस टाइम में जहाँ भी कंटेन्ट बनाई मो हाथ में बैचान्स डिलीट ऑप्शन बाजिगला तो सब तो कंटेन्ट उड़गला ना नहीं रिस्टोर कोई करी आप रिसाइकल बिन को जी रिसाइकल बिन आप रिस्टोर गोटे ऑप्शन आसपे क्लिक करके आप आराम से रिसाइकल करेंगे बस ये छोटा जिनस आशा करें समस्त बुझीगले आ विषय बेसी किसी कहानी नेक्स्ट के आगे जावा बेसिक विंडोज रो किसी एक्सेसरीज मन रखे विंडोज निजे किसी बेसिक एक्सेसरीज दिए जोटा कि आप यूज करेंगे जमीक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओके कम्स किसी इक्विपमेंट अच्छे बेसिक एक्सेसरीज जमीक कैलकुलेटर तो नॉर्मल सब जानते हैं MS पेंट सुपर इंपोर्टेंट गोटे पेंट गोटे दिए सुपर इंपोर्टेंट नोट पैड गोटे दिए सुपर इंपोर्टेंट वार्ड पैड गोटे दिए तीन टाइप क्वेश्चन आसी जाए बेले ओके वार्ड पैड मैंने जो नोट पैड वार्ड पैड दुटाक फीचर्स आपंकर MS विंडोज प्रोवाइड करें आप आसेस करने जमीक है नोट पैड देखो इट इज ए विंडोज बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एटा होची विंडोज बाय डिफॉल्ट एटा आपन दबा कथा दबा आपन इंस्टॉल करना थबे एटा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपन पको पको एटा आपन पाइबा कथा पाइबे इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एटा होची कोन वर्ड प्रोसेस पाइब लगे सर हम MS वर्ड तो यूज करते हम कहबी तेंडा के भीतर डिफरेंस वर्ड आपन रही गला नोट पैड और वर्ड पैड भीतर डिफरेंस कोन कोटा आपन क्वेश्चन से सेटा मु कहि दी मन रखबे एटा होची कोन वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग ऑफ फॉर टाइपिंग एटा टाइपिंग पे में नॉर्मल यूज करबा सेमती आपन को जिबा वर्ड पैड भी कोन इट इज ए टेक्स्ट एडिटिंग ओके सॉफ्टवेयर which we can create our edit simple text normal text document ko ame kari pariba our complex formatting our graphics bhitare ame kari pariba tapare paint to samasya anthiba aguru ame purana kale kete paint ame use kartile okay paint is used for create edit a view picture ame picture te banai pariba dekhi bi pariba ta sahita ame edit bi kari pariba we can paste a print picture into another document where we can create it okay we have created ame sei jinsota paste bi aur kono jagah re kari pariba ए पेंट पिक्चर कैन बी सेट आज ए बैकग्राउंड आम बैकग्राउंड भी रखिपर ए जो आप MS पेंट आपको आम यूज करते आगे ना तो ये विभिन्न प्रकार आम छवि भी बनाऊ आम बैकग्राउंड भी रखिपर सेमती आप देख पाते यहाँ गोटे कौन आप वार्ड पैड भाया काम कर बुझे समस्ते एवं जी जो आप मेन डिफरेंस एग्जाम क्वेश्चन आसे वार्ड पैड आ सरी नोट पैड आ वार्ड पैड आ वार्ड जब आप पचरा गला बाय डिफॉल्ट आपर MS आप विंडोज में कौटा बाय डिफॉल्ट आपकी वार्ड ये आप बना जाए बाय डिफॉल्ट आपके नोट पैड गोटे आप वार्ड काम पर रखा जाए जोटा कि आप कौटार MS विंडोज ओके कारण वार्ड तो आप इनस्टॉल कले तो आसो ना न इनस्टॉल कले कमी आसो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम कौटा आसे आप थे पढ़ी दिखाँ बेटर हम तीन टाइम मुझे पढ़ूनी टाइम आप पढ़ेज देखो फास्ट हूँ मन रखे जब पचारा नोट पैड्र कौन कहे नोट पैड्र एक्सटेनसन कौन सांगे सांगे डॉट TXT मारदे जो आप शुणी ना डॉट TXT कहार एक्सटेनसन मन रखिए नोट पैड्र आउ गए पचार वार्ड पैड्र कौन कहे वार्ड पैड्र एक्सटेनसन कौन डॉट RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कौन कहे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट बेले बेले आप यार फुल फॉर्म भी पचार जाए RTF कौन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सेमती आप पचार जाए वार्ड आप एक्सटेनसन कौन डॉट DOC गोटे आगे डॉट DOCX गोटे अच्छे बुझे तीन टाग यार मन रखिए ये अलग ये अलग ये अलग ओके बाय डिफॉल्ट आप जानते नोट पैड आप कौन थे आप वार्ड काम करने आप नॉर्मल विंडोज अवेलेबल थाए ओके
ଏଇଟା ତୁମେ ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ବୁଝିଗଲେ କ'ଣ, ତିନିଟା ଆଗର ମନେ ରଖିବେ, ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ସୁପର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମ୍ଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ପଚାରିଦେବେ, ଆପଣ ମାରିବେ କ'ଣ ଡଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ମାରିବେ, ଆଉ TXT, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ RTF ମାରିବେ କାହାର, ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାଡ଼୍ର, ୱାର୍ଡ଼ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡଟ୍ ଆପଣଙ୍କ DOCX, ଏ ତିନିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କି ଆଗୁଛିଆ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର, ସୁପର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯାଏ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ୟୁଜ୍ ବାଇ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 95 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଆମେ କରୁ କ'ଣ, ମନେ ରଖିବେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋ କରିବ, ନ୍ୟୁ ଫୋଲ୍ଡର୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯାହା ବି କଟ୍ କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି 100 ଗ୍ରାମ୍ ରୁଲ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ PPTଟେ ବନେଇଥିଲି, ବଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ପାଉନି, ଆସିବେ ଭାଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆସି ଆପଣ ଖୋଜିଦେବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ହେଇପାରିବ। ଇଟି ଆଲାଉ ୟୁଜର୍ ଟୁ କ'ଣ, ଫାଇଲ୍କୁ ଏଇଠି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା, ଫୋଲ୍ଡର୍ ହେଇଗଲା, ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍କୁ ଆରାମସେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ କରିପାରିବେ। ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କେଉଁଠି ହେଇପାରିବ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରେ ହେଇପାରିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଛି। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ନେଇ ଯିବା, ଏବେ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ତ ବୁଝିଗଲେ, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ବନ୍ଦରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠିଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଡ଼ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟର୍ନ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟର୍ନ ଅଫ୍ରେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହାଇବରନେଟ୍ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ଅଛି। ହାଇବରନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି, ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଟର୍ନ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା, ଟର୍ନ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପୁରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେବ, କହୁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ଲାଇରୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସପ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ପୁରା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମାନେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରପର୍ଲି ଆର୍ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଇ ଯିବାର କୌଣସି ମତଲବ ବି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରୁଛେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛି। ପଢ଼ିବା ଏହା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ରିମୁଭ୍ ଦ ପାୱାର୍ ଫ୍ରମ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେ ସବୁ SMPS ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଜାଗାରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ରିମୁଭ୍ କରିଦେବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ଲାଇଟା। ଓକେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ମେନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସଚା CPU ହେଇଗଲା, ରାମ୍ ମଡ଼ୁଲର୍, ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆର୍ ପାୱାର୍ ଡାଉନ୍, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ। ପାୱାର ଟର୍ନ ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କି ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଧରିନିଅ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ବୁଝୁଛୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସବୁତକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ବି ଆପଣ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଓପନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ବାସ୍ ଆପଣ 20 ମିନିଟ୍ ବଜାରରୁ ଯାଇକି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, 20 ମିନିଟ୍ ବଜାର ଯାଇକି ଆସିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ସେମିତି କାହିଁ ରଖିବେ। ଓକେ, ବେଟର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଯିବେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପାୱାର ଟିକେ କନଜମ୍ପସନ୍ କ'ଣ କମ୍ ହୁଏ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି କ'ଣ, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼। ଓକେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ କହିପାରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଏ ପାୱାର ସେଭିଂ ମୋଡ଼, ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କିଛି ପାୱାର ସେ ସେଭ୍ କରେ। ଓକେ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମନିଟର ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ସେ ମନିଟରକୁ ଅଫ୍ କରିଦିଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ପାର୍ଟସ୍କୁ ସେ ସପ୍ଲାଇ ଦିଏନି। ଓକେ, ଅଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ହେଇଗଲା, ୱେନ୍ ଦ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ଆଇଡିଆଲ ଫର୍ ଏ ସେଟ୍ ଟାଇମ୍, ଆପଣ ଡିଭାଇସ୍ ଆଇଡିଆଲ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ ବି କହିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଆସେ। ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ ନା? ଓକେ, ଏଇଠି ମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଓକେ ଡିସେବୁଲ୍ କ'ଣ କରେ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୟାଟ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ପାୱାର ସଚାର୍ଜ, ଆପଣ କ'ଣ କରେ, ଡିସ୍ପ୍ଲେ ହେଇଗଲା କି ନେଟୱାର୍କ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫ୍ କରିଦେବ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼, କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଦରେ ଆମେ କ'ଣ ପାୱାରକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା, ଏତିକି ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେଇଯିବା, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ରିବୁଟିଂ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ରନିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆପଣ କହିପାରିବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ବୁଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ରିବୁଟିଂ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ରିବୁଟିଂ ମାନେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟକୁ ଆପଣ ରିବୁଟିଂ କୁହାଯାଏ, ଆଇଦର ଦ ଇଣ୍ଟରନାଲି, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଲାଗୁଛି ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଲ୍ୟାଗ୍ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଥା, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପ୍ଲିଟର ଅଫ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ରିବୁଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଇଦର ବି କୋଲ୍ଡ ବୁଟ୍ ଆଉ ୱାର୍ମ ବୁଟ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟର ପଢ଼ିଛେ, ରିଜିଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି, ତ ସିମ୍ବଲଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାର୍ମ ବୁଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲି କହୁ। ବୁଝିଗଲେ ନା? ଓକେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା, ହାଇବରନେଟ୍ ଆସିଲା, ପ୍ରାୟ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସେଟା, ହାଇବରନେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ମୋଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛେ, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ ଯାହା ହାଇବରନେଟ୍ ମୋଡ଼ ସେଇଆ କି ନା, ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ କ'ଣ, ଯଦି କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆରାମସେ ଆପଣ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ରେ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ରଖିକି ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଆସିକି କୌଣସି କିକୁ ଦବେଇଦେବେ, ସର୍ଟକଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଟରକୁ ଦବେଇଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠୁ କାମ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ଟାକୁ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ ତାପରେ କାମ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ହାଇବରନେଟ୍ ମୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହାଇବରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ଲେସ୍ ପାୱାର ଦ୍ୟାନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼, ମାନେ ସ୍ଲିପ୍ ମୋଡ଼ଠୁ ବି ଆହୁରି ଲେସ୍ ପାୱାର କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି ହାଇବରନେଟ୍ ମୋଡ଼। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିସି, ଏକ
जितना आप कौन करा हाइबरनेट मोड को यूज कर देचे जितना आम कंप्यूटर को स्टार्ट करवा कौन कहे हाइबरनेट मोड आम यूज करचे एवं कंप्यूटर स्टार्ट करवा आपड़ नॉर्मली देखिथे कंप्यूटर जितना स्टार्ट करवा जहाँ भी कल आम यूज करते सब कौन अलरेडी ओपन हो जमा थी कंप्यूटर पर नुआ भाया स्टार्ट हो बट हाइबरनेट मोड्रे से हेनी आपड़ जो भी हाइबरनेट मोड लगे जाइए आसिक सात घंटा पर आठ घंटा पर कंप्यूटर को अन करुँच तो हाइबरनेट मोड्रे कौन हम जो जो आप फाइल गुड़ाक ओपन होता कि जो जो आप गीत बसला कि जहाँ होता सेठू ही डायरेक्टली स्टार्ट हो जो कम आपठ सेंड करते वार्ड लिखते जो जाए तो अटोमेटिकली स्टार्ट हो यहाँ हूँ हाइबरनेट मोड्र गोटे बड़ फीचर जोटा कि आपको नर्माली कौन हुए आप ये लेस पावर कंज्यूम करे ना आपन कहबे जे स्लीप मोड रे पावर कंज्यूम हुए नी पावर कंज्यूम भी हुए ताठू भी कम पावर कंज्यूम कौथे हुए हाइबरनेट मोड रे हुए से आप सत आठ घंटा रखा अच्छे हाइबरनेट मोड रे रखी पलांतु सेठू आसिक आउ थे काम करेंगे जो आप छाड़ी बुझीपड़े से गोटे बेस्ट फीचर थ्रू आर नॉट द फास्ट स्लीप ओके यूज हाइबरनेट ओके हाइबरनेट व्हेन यू नो दैट यू वुड नॉट यूज द लैपटॉप और टैबलेट फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत टाइम आप यूज करें एंड वुड नॉट हैव ए अपॉर्चुनिटी टू आप चार्ज करार कौन ऑप्शन नथिबो बट आपको कंप्यूटर को किसी टाइम हाइबरनेट मोड रखार मैंने स्लीप टाइप रखार अच्छे तो आप हाइबरनेट मोड ऑन करदे तो सत आठ घंटा पुणे आसे चार्ज करार ऑप्शन नहीं तो आप कौन करेंगे बट आप स्टैंड बाय मोड चार्ज खाइबा कथा से खाए बुझीपड़े ना आप कहेंगे स्टैंड बाय मोड चार्ज खाएन कि स्लीप मोड चार्ज खाएन स्लीप मोड चार्ज खाए ताठू कम आहरी पावर कंज्यूम किए कर हाइबरनेट मोड बस इतनी थी तर लोग किसी यही भाया अच्छी आशा करती मो द्वारा जितनी पसबुल थीरी को मैंने गेट टुगेदर मैंने टुगेदर करके बुझाई बुझे आगू आम क्वेश्चन बहुत जिस अपरेटिंग सिस्टम में डिल करता से किसी व्यस्त होनी बस ये मुझे वीडियो को एंड करती वीडियो को शेष पर देखो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।